हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी आलम साहब फरमाए। अभी आपने फोन लगाया ना कुछ देर पहले। अच्छा अच्छा, तो कॉल आया था आपको, तो मैं वहाँ जब भी मशरूफ था इसी कारण मैंने रिसीव नहीं कर पाया कॉल को दोबारा में। अच्छा हाँ मेरे जान से ऊपर ज्यादा 2 दिन हो गए हैं। जी बताएं। कुछ जी काम था क्या? कौन बोल रहे हैं आप? मैं मोहम्मद राशिद सुन्नी हंसी बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ कितना काम समय था बात क्या? कर कुछ सकते हैं आप? नहीं आपकी काम था क्या? एक साथी ने नंबर दिया था। आपने शायद उनसे किसी मौजू पर कुछ बात किया था, तो जी वही उन्होंने कहा कि मुफ्ती आलम साहब हैं, इनको लाइन पर ले दिए। ना, मुफ्ती नहीं हूँ मैं, तालिबे इल्म हूँ मैं, मुफ्ती नहीं हूँ भाई। अच्छा, आप मुफ्ती नहीं हैं तो उन्होंने मतलब कही नहीं। बस उलमा इकराम की सोहबत में और तालिबे इल्म। अच्छा, चलिए ठीक है। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। आप उलमा देवबंद के लिए काम कर रहे हैं, बरेलिये तरफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि नहीं, बरेलवी तरफ क्यों पता करेंगे? हम तो बरेलवी है माशा अल्लाह, नहीं जी। हम बरेलवी है तो बरेलवी तरफ क्यों करेंगे हजरत? अल्लाह हिदायत दे आपको, अल्लाह हिदायत दे आपको। क्या हाँ कहते हैं नहीं, हम तो आप? अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पर ही है। हाँ वो तो देखिए ऐसा है, जो जिस मसलक में रहता है वो तो हर आदमी अपने आप को जो है ना हिदायत पर ही समझता है। कादियानी भी है, सुनिए, ऐसा सुनिए नहीं लग रहा था, होता तब से देखिए क्यों नहीं कहा जाएगा ना हजरत देखो नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। एक आम तौर पर अभी देखिए कादियानी को, कोई कादियानी से आप पूछिए, अगर आप उससे कहिए आप गुमराह हैं, आप नाहक हैं, तो कहेगा नहीं भाई हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हक पर है। कादियानी भी कहेगा, बोरी भी कहेगा, शिया भी कहेगा, हर कोई तो जो है अमल आपस देखा में जाएगा ना पसंद। हजरत, उसका अमल अकीदा हाँ देखा हाँ जाएगा ना। हाँ ये बात आपने फरमाया कि आप उसका अपने अमल तो देखा अकीदे से जाता है अकीदा जी। बुनियाद है, तो कादियानी अकीदा जानते हैं आप? आपके नजदीक नहीं, मैं तो जानता हूँ, लेकिन जी हम भी जानते हैं। वो तो खुद को लेकिन हक पर समझ रहे हैं ना। अब जैसे मैं आप तो सुनिए ना, अब जी जैसे जैसे आप बरेली हैं, आपको या तो जी फिर आप अपने अकादीर की किताबों का इल्म नहीं है, उन्होंने अपनी अपनी किताबों में क्या क्या गुस्ताखियां की है। अगर आपको जी इल्म होता तो आप बरेली ना होते, है ना। और आप मुझे नाहक समझते हैं इस बिना पर कि आपके जो है जो बरेली फिरके के जो बानी है, जो 1856 में जो फिरका वजूद में आया, उसके जो अच्छा बानी है मौलवी अहमद राजा साहब, वो क्या कहते हैं कि हमारे अकाबिर पर जो है क्या कहते हैं कि बेजा इल्जाम, हमारे अकाबिर की जो है इबारतों को तोड़ मरोड़ कर एक अच्छी खासी इबारत को गुस्ताखाना इबारत बनाकर उस पर कुफर का फतवा लगाया, और आप खुद भी गुमराह हुए, आप लोगों को भी गुमराह कर दिया। अल्लाह बहरहाल है। देखिए पहली बात तो क्या है, मेरी बात सुनिए आप, जी तोड़ मरोड़ के पेश किया नहीं गया है, जो लिखा हुआ था किताब में आला हजरत ने वही बताया है। मक्का शरीफ के और मदीना शरीफ के उलमाए कराम को और दस्तखत भी 33 उलमा का मौजूद है। अब आला तोड़ मोड़ के पेश करेंगे तो उस दम जमाना इल्म का था, माजल्ला ऐसा तो नहीं कह सकते कि आला ने तो मैं पेश किया तो दस्तखत उलमा ने 33 उलमा जो दस्तखत किया है, तो क्या माजल्ला सबके साथ वही थे क्या, जाहिर थे क्या माजल्ला? ऐसा तो नहीं है ना अच्छा आपके आला हजरत ने जो क्या जी कहते हैं उनका देवबंद की किताबों को जो मतलब वहाँ पेश किया, ठीक है। जी ये बात तो मतलब आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि उलमाए हरमैन को उर्दू जो है ना पढ़ना आता था ना लिखनी आती थी, ठीक है। और आपने हमारे अरबी में सुनिए ट्रांसलेशन किया ना? ना, हाँ मेरी बात सुनिए ना, और जी हमारे अकाबिर की किताबें थी उर्दू में, है ना। हाँ उर्दू उर्दू से क्या कहते हैं कि उसको अरबी में ट्रांसलेट किसने किया? आपके आला अहमद हजरत ने राजा साहब किया। बरेली में, है ना। जी जी आप बोलिए अहमद आला हजरत, तो आपके जी अहमद राजा बरेली साहब बरहेटी, वो बरहेट के थे, अफगानिस्तान के उनके दादा परदादा आए हुए थे, तो जी बरहेट के थे, तो उन्होंने पेश किया। अब क्या कहते हैं कि जो उलमाए हरमैन का जो फतवा है वो हमारे जी अकादमी की किताबों पर नहीं है, वो आपके अहमद राजा बरेली साहब ने जो अरबी में तर्जमा पेश किया है, और तर्जमे में उन्होंने खलत मफज किया है, कहीं की इबारत कहीं, कहीं की इबारत कहीं, नहीं 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 वो सुनिए हजरत के झूठ ना। बोल रहे हैं आप। नहीं किसी भी नहीं मन की मैं जो इबारत है और जी बराहिने कातिया फतावा रशीदिया और तहजीबुल नास की जो इबारत है, आला ने वही इबारत को पेश किया है और उलमा मक्का के और मदीना शरीफ के उलमा ने फरमाया है कि मन शक्का फी कुफ्र ही वो आजाब ही फकत कफर, जो ऐसा लिखा है ऐसा लिखने वाले के मुमकिन होने में जो जरियात दिन का इनकार इसके अंदर सराहतन मौजूद है, ऐसा वो अजाब में भी और कुफर में लोग अरे शक के जनाब, मुनाफिक को काफिर कहा है। वो फतवा तो मुझे पता है कि उन्होंने फतवा दिया है, लेकिन आप ये साबित करें कि आपके अहमद राजा बरेलवी साहब ने जो तो क्या कहते ठीक हैं है ना कि हजरत, उर्दू आप अपने उर्दू आप एक मौलाना साहब की किताब पढ़ के बता दीजिए हमें। चलिए छोड़िए आला आपकी बात।
जी पहले एक ही बार पे बात कर लीजिए मुझसे आप, चाहे फतावर सिद्धिया पे बात करना आपको, जिसमें जो खुदा को माजला झूठा करार दिया गया है। अब आपका पता नहीं कौन सा खुदा है जो खुदा भी झूठ बोलता है माजला, हमारा खुदा तो हम झूठ ऐसे पाक है। अब आपका कौन सा नबी है जो शैतान का इल्म नबी का इल्म कम है? अगर ये तो आप ये शैतान का इल्म, शैतान का इल्म सुनिए ना, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। ये तो क्या कहते हैं कि आपकी किताबों में लिखा हुआ है, अनवारे साफिया में लिखा हुआ है, और दूसरी बात बराहिने काफिया जो है वो तो अनवारे साफिया का जवाब है, वो तो अल्लाह सुनिए ना, बात तो सुनिए। देखिए पहले अनवारे साफिया लिखी गई है, अनवार फातिहा में उनके मुसन्निफ ने जो है शैतान के उस इल्म को नबी से ज्यादा करार दिया, तो उसी का जवाब जो समझे ना। और अभी आपने एक इल्जाम लगाया कि हमारे अकादर का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोलता है, माजल्ला तुम्हारा माजल्ला, जो ये अकीदा किताब से जाहिर है, ये बता रहा हूँ, जो जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह झूठ बोलता है माजल्ला, वो काफी रहे। हाँ काफी रहे ना, और जो वो काफी रहे। हाँ तो एक किताब में लिखा गया है, अगर वो बात नहीं थी तो आवाम के जमाने देखिए उर्फ आम हो चुका है, उर्फ आम के बुनियाद पर अंदरूनी देखा जाता है। अच्छा किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब में क्या लिखा, आप खुद देखिए इसमें क्या लिखा गया है। उसमें मतलब जो बताया गया है कि अल्लाह और हर शय पर कादिर, तो अल्लाह झूठ बोलने पर ही माजल्ला कादिर है, तो अल्लाह ताला अपने शान के लायक अपने शय पर कादिर है माजल्ला, भूतों को सजदा करने पर, करवाने पर, और भी दिगर फजूलियात पर, कुफरियात पर, शिरकियात पर, अल्लाह तबारक ताला माजल्ला इस पर कादिर नहीं है अल्लाह तबारक ताला। वहाँ तो बोला जा रहा है खुदा झूठ बोल सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है, आपका यह अकीदा है खुदा झूठ बोल सकता है? सुनिए सुनिए, ये तो आप लोगों का अकीदा है, वहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। खुदा झूठ बोल सकता है किताब में? नहीं नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। आप कुछ हमारे पास छोड़ रहे हैं, मैंने कब कहा आप लिखा हुआ है? आप लिखा हुआ है जी जी, दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोलता है, दिखाइए। अरे हालांकि आपको अगर ये बात आपको नहीं पता है, किताब में लिखा, तो बहसबाजी क्या चीज क्या कर रहे हैं साहब उनसे? अरे आप कुछ भी बोलेंगे, मैं कह रहा हूँ ये आपका अकीदा है। बहसबाजी क्यों कह रहे हैं साहब? आपको बोलना चाहिए नहीं, किताब में लिखा है, शुरू में बोलना चाहिए ना आपको, आप अभी बोलने वाली बात को हमको ये बात आपको शुरू में बोलना चाहिए ना कि हाँ ये ऐसा नहीं लिखा हुआ, आप झूठ बोल रहे। आप इतना बहस इसी बात पे कर रहे हैं कि लिखा हुआ ऐसा नहीं, ऐसा अभी आप बोले कहाँ लिखा बताइए। नहीं मैं तो मैंने ये बात सामने आ रहा, मैंने दर्ज है और आलात ने उस पे लिखा है, उसमें बताया गया कि देवबंदी का खुदा भी झूठ बोल सकता है, इसमें भी अकीदा किताब से जाहिर है, देवबंदी की किताब से। अच्छा देवबंदी का खुदा झूठ बोल सकता है, मतलब क्या है आपके आपके आला हजरत के नजदीक मतलब दो खुदा थे, एक जो है खुदा अलग है, देवबंदियों का खुदा अलग है। हाँ बताइए कौन सा खुदा है? ये कह रहा है कि खुदा तो पाक है, हर झूठ से ऐप से पाक है, जो ऐसा कीदा हाँ, कि खुदा कह रहे हैं उसका कोई झूठा खुदा हो सकता है, हमारा ऐसी खुदा है। लेकिन आप ही तो कह रहे हैं कि आला हजरत ने लिखा है कि देवबंदियों का खुदा झूठ बोलता है, तो आपका यह तो आला हजरत का यह अकीदा है कि क्या कहते हैं कि देवबंदियों का खुदा अलग है, घरेलू खुदा अलग है, दो खुदा अलग। अच्छा सुन्ना माजल्ला सुन्ना माजल्ला सुन्ना माजल्ला, मतलब आपका यह अकीदा है कि खुदा दो है? हमारा तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, अल्लाह एक है, चाहे उसको कोई माने चाहे ना माने, चाहे उसको कोई माने या ना माने, सुने ना मैं कह रहा हूँ, आप ही ने अभी कहा कि आला हजरत ने लिखा है कि देवबंदियों का खुदा झूठ बोलता है, देवबंदियों का खुदा झूठ लिखा है, आपकी किताबों को नकल किया है, आपके किताबों में लिखा हुआ खुदा झूठ बोल सकता है, तो आला फरमा रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल सकता है, इसलिए आला ने लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है कि झूठ बोल सकता है? आप किताब एक किताब जाके देखिए ना आगे, आपको नहीं पता? अरे हजरत बता वही है लिखा किताब में, बता आप रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि झूठ आप किताब से लिया करते थे, नहीं जब आप इल्जाम आप लगा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी आपकी कोई किताब से इबारत पेश करूं कि भाई देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ना भाई कहाँ लिखा हुआ दिखाइए, किसी बात का मुनाजा तो सर आता है हजरत, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आता नहीं है कुफ्र तो हजरत, इसमें कुछ छुपाने की बात ही नहीं है। फिर
छुपाने की बात नहीं, छुपा हुआ कहाँ है? ये तो आपके आपके अहमद रजा साहब ने ये तो शोर मचा रखा है, मतलब हमारे उलमा को बदनाम करने के लिए हमारी किसी किताब में कोई चलिए क्यों शोर मचाएंगे? चलिए कहते हैं आपने गुस्ताखी किया, आला पे तो आईना दिखाया है, अब आप लोग आईना दिखाना मुश्किल हो गया है। वो तो खुद गुस्ताख थे यार, वो तो खुद गुस्ताख थे। नहीं नहीं वो तो खुद गुस्ताख थे यार। आपके किताबों में साबित है, वो बात तो अलग की बात है, मगर जो उसमें लिखा गया खुदा झूठ बोल सकता है ऐसा कहने वाला आपने खुद कहा कि वो काफिर है, तो रसीद दिखाइए ना, तो दिखाइए ना कहाँ लिखा हुआ है ऐसा। आपके किताब है कि नहीं आपका ये बताइए। हाँ दिखाइए आप कहाँ लिखा हुआ है, आप बताइए पहले किताब फतावर सिद्धियाँ हमारी है, बिल्कुल हमारी है, आप किस कहाँ लिखा हुआ दिखाइए। आप किताब मंगा रहा हूँ, ठीक है ना? एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मंगाइए ठीक है। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन वर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन वर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। अरे वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं हजरत, अगर वो कॉल रिसीव करते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ ये इबारत। ठीक है, आप वो इबारत जो है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे उसी टॉपिक पे बात करूंगा। हाँ चलिए, तो एक टॉपिक की बात है ना। हाँ अभी जो आपके जो तीन अकाबिर देवान दे इसके ऊपर कब बात कीजिएगा? क्या चीज? एक तो फतावा रशीदिया की बात हुई ना हजरत। हाँ हिजबुल ईमान बराही ने का किया, और ये क्या बोलते हैं तहजीब नाज़िम में प्यारे मुस्तफ़ा के नबुवत का तीन मरतबा इनकार किया गया है तहजीब नाज़िम में। हाँ, और हिजबुल ईमान में मुस्तफ़ा जानी रहमतुल्लाह के इल्म शरीफ को जानवरों पागलों कुत्तों बच्चों जैसा तशबीह दिया गया है। वो तो मैं आपको भेज ही दूंगा माशाल्लाह। इतना झूठ के बोल रहा, मरना नहीं है, जवाब नहीं देना आपको, अल्लाह के सामने आगे से होना है। इस बात पर मेरा अकीदा और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे। चलिए चलिए चलिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या आपने कहा कि मतलब क्या तस्वीर दिया आप, जरा इबारत पढ़िए उसको। तो कौन सा नाम दिल में मतलब किताब आपकी बात है ना, तहजीब नाज़िम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। शरीफ को बात की ना, तो इन शरीफ के बारे में जानवरों पागले का जो तस्वीर दिया गया है ये आपकी किताब सफर नंबर 15 की इबारत है। भेजिए जरा इबारत पढ़िए। इबारत ये है, अच्छा इबारत पहले आप पढ़िए, किताब आपकी है जरा। अरे इल्जाम आप लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूँ इल्जाम, मैं लगा रहा हूँ। किताब तो आपकी है ना, आपकी घर की किताब है ना, तो मैं तो कहता हूँ मेरी किताब है, मेरी मेरी किसी किताब में, सुनो डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मेरी किसी किताब में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जैसा इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है वैसा इल्म क्या कहते हैं पागल जानवर मजनू को है, अस्तगफिरुल्लाह माजल्लाह। और जो ये इल्जाम लगाता है, जो सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, जो इल्जाम लगाता है वो क्या कहते हैं दुनिया का, क्या कहते हैं दुनिया का बदतरीन, क्या कहते हैं झूठा और मक्कार आदमी है। सुनिए मेरी बात, अगर मैं साबित कर दूँ तो जी, अगर साबित कर दूँ तो आप बताइए दमनगे से तौबा कीजिएगा, और अगर नहीं साबित कर सके तो आप बरेली से तौबा करेंगे। ये बताइए पहले, देखिए सवाल के ऊपर सवाल है जवाब बताऊँ, सवाल नहीं कर रहा हूँ, दोनों तरफ से बात होगी ना। जी तो अगर मैं अगर नहीं साबित करना पड़ेगा ना, मैं तो साबित करूँ आपकी किताब से साबित। अगर अगर आप ऐसा नहीं है, मैं हजरत में क्या बोल रहा, अगर वो किताब में ऐसा नहीं है तो 100 साल से आपके जो मानने वाले उनके मानने वाले मुनाजरा किस बात पे कर रहे हैं, मुनाजरा कर रहे हैं लोग। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, 100 साल हो गए, 100 साल में आज तक किसी बरेलवी ने या हमारी किताब से नहीं दिखा सका कि अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब। यार बीच में मत बोलो, मेरे बीच में मत बोलो,
बीच में मत बोलो, मैं आपको अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, आपको मैं अभी अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ। चलिए आप हिज्जुल ईमान की किसी भी इबारत में सुनिए मेरी बात को, आप हिज्जुल ईमान में जब पूरी हिज्जुल ईमान आप पढ़ डालिए और आप वहाँ पे दिखा दीजिए मुझे कि जैसा इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है वैसा इल्म पागल जानवरों को है, ये चीज आप दिखा दीजिए। चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हिज्जुल ईमान नहीं, आप पहले बोलने का किसी को कैसे बोला जाता है? क्या बोला मैंने हिज्जुल ईमान को बोला मैंने मैं क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने हिज्जुल ईमान को बोला मैंने हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ बताइए, मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मैं हिज्जे लगा के बता दूँ आपको, मैं आपको हिज्जे लगा के बताऊँ। चलिए आप क्या कहते हैं कि आप इबारत पेश कीजिए, क्या लिखा हुआ इसमें बताइए। अगर मैं पढ़ दूंगा अभी, चलिए मैं क्या बोला, अगर मैं पढ़ दूंगा तो अगर आई बात तो तबाह कीजिएगा ना, और अगर आप नहीं क्या कहते हैं साबित करते तो आप बरेलवे से तबाह करेंगे ना। चलिए चलिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात आपको पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? क्या हाँ ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, आप अपनी जबान से इकरार कीजिए कि अगर आप क्या कहते हैं कि ये इबारत जो आपने कहा है कि जैसा इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है वैसा इल्म पागल जानवरों को है, ऐसी इबारत अगर आप हिज्जुल ईमान में दिखा दिए तो आप क्या कहते हैं कि बरेलवी से तोबा करेंगे? आप ऐसा बोलिए, पहले आप तो इकरार कीजिए कि हाँ मैं तोबा करूंगा, किताब तो आपकी है ना, लेकिन दावा आप कर रहे हैं ना। दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, इल्जाम तो आप इल्जाम आप लगा ना, दावा आपका हुआ ना, ये आप ही का इल्जाम है, ये आप ही का इल्जाम है ना, जो है बता रहा हूँ आपको। हाँ चलिए पढ़िए हिज्जुल ईमान की इबारत, पढ़िए हिज्जुल ईमान की इबारत पढ़िए, फिर हिज्जुल बोल रहे हैं हिज्जुल ईमान है, हिज्जुल ईमान। अरे तुम्हारे सुनने में आ रहा, आप अपने कान का इलाज कराइए, आपको पढ़ने नहीं आ रहा, आप अपने कान का इलाज कराइए, चलिए इबारत पढ़िए, इबारत पढ़िए, कान का इलाज कराइए आप, चलिए इबारत पढ़िए, आप पहले सोचने तो नहीं लग रहा था आपके, इबारत पढ़िए, इबारत पढ़िए, चलिए किताब में है कि फिर ये कि आपके जाते मुकाम हुक्म किया जाए। हेलो 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 भैया अमर है, हेलो क्या है, क्या है, अगर मुराद है बाघ नहीं है, हेलो बाघ नहीं है, बाघ नहीं है, जी मत पर द्वाद है वहाँ पे द्वाद, बाघ हाँ हाथ हाथ जी मत हाथ बाघ नहीं है, जीम नहीं है, जीम नहीं है, वहाँ द्वाद है, द्वाद है, द्वाद द्वाद आ गए ना पीछे कैसे, बाघ बाज नहीं है, हेलो सुनो सुनो सुनो, वहाँ ऐन है, बा ऐन द्वाद है, अलिफ नहीं है, जीम नहीं है, बताइए आप नबी के सार में कितनी बड़ी गुस्ताखी की हुई है? बताओ तो आप क्या पढ़ा आपने, बताओ आपने आप बताइए, जो सनातन कुफ्र है उसको आप केयर नहीं कर रहे हैं, क्या बताओ ना, क्या गुस्ताखी है बताओ, यहाँ पे लफ्ज की बात है, यहाँ पर तो सनातन कुफ्रीय नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा आपको, बताओ ना कहाँ है, कहाँ बताओ ना, क्या लिखा हुआ बताओ, क्या सुने आप, नहीं तो आप क्या कहते हैं कि जो जीम निकाले तो मैं आपको दुरुस्त करवा रहा था ना, आप जीम और अलिफ निकाल रहे थे, मैं आप इबारत नहीं पढ़ रहा हूँ, इबारत तो लफ्ज पर नहीं होती है, इबारत तो लफ्ज पर नहीं होगी, सुनिए आप इबारत सही से पढ़िए, चलिए आपने जो बाघ आपने जो बाघ जहाँ गुस्सा देखिए अभी अभी आप मेरा मकरज सही करवा रहे थे कि मेरा मकरज सही नहीं है, जब मैं आपका मकरज सही करा रहा हूँ तो क्या कहते हैं कि आप क्यों भाग रहे हैं, आपने बा अलिफ और जीम पढ़ा था, आपने बा अलिफ और जीम पढ़ा था, जबकि वहाँ बा ऐन और द्वाद है, तो आप हाँ तो फिर आप क्या कहते जीम क्यों पढ़ रहे थे, अलिफ क्यों पढ़ रहा, ऐन कहाँ गया, ऐन क्यों नहीं पढ़ रहे थे, चलिए चलिए इबारत पढ़िए, इबारत पढ़िए, चलिए इबारत पढ़िए, उसके बाद नहीं समझ आता है तो आप अपने बात रखिएगा, वही वही इबारत पढ़िएगा जो आपने कहा है कि जैसा इल्म क्या कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वैसा इल्म पागल जानवर को है, हाँ चलिए इबारत पढ़िए, चलिए इबारत पढ़िए, आप जो कहा बीच में बोलिएगा आपकी सुतक की जाएगी, ठीक है ना, चलिए और जब आप तो आप इबारत सुनिए पहले, इबारत पढ़ने के बाद मैं जब बात करूंगा फिर आप बीच में नहीं बोला, अगर आप बीच में बोलोगे तो आपकी शिकायत खत्म की जाएगी, चलिए आप इबारत पढ़ देंगे आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी, चलिए पढ़िए, इबारत पढ़कर मुकम्मल नहीं होती है, चलिए मुकम्मल करें मैं आपको समझाऊंगा पूरी तरह से, आपकी समझाऊंगा मैं, क्या किसकी किताब है, किसकी किताब है,
किसकी किताब है? किताब किताब हमारी है तो तुम कौन होते हो? उसके क्या कहते हो बात करने वाले? तुम्हारी क्या तो तुम कौन हो? किताब तुम हो, तुम किताब पेश करो, उसकी वजाहत मैं करूंगा तुमको। समझा ना? अब तुम गुस्ताखी तुम्हें गुस्ताखी सुनना है लो। तुम्हारी 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 किताब अब मैं तुम्हारी किताब है तो गुस्ताखी पेश कर रहा हूँ। लो सुनो, तुम्हारी किताब क्या गुस्ताखी करनी है? देखो अहमदा बरेलवी जिसका करके सवाल किया जाता है, क्या फरमाते हैं सराय मतीन इस मसला के बारे में कि चावर अपनी पीढ़ी और सुशावर की मैय से बस आ गए। आमीन 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 लालतुल्लाह अलैहि काज़िबिन आमीन सुम्मा आमीन। जो अहमद रजा बरेलवी ने क्या कहते हमारे काज़िब पर झूठ बोला है उस पर लानत हो। तुम क्या कहते हैं कि गाली दे के भागो गए, लेकिन तुमने जो इल्जाम लगाया अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर उसको साबित नहीं कर सकते। अब तुम भागोगे, अब तुम भागोगे। ये तुम्हारी किताब अनवार साफिया में लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं शैतान का इल्म ज्यादा है। अब देखो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी घर की इबारतों को पढ़ाता हूँ। सामाइन देखें ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि बरेली मुफ्ती है, एक इनका नाम है आलम राजा साहब। इनकी किताब में लिखा हुआ है कि जन व शौहर बहन एक दूसरे को हयात में छूना मुतलकन जायज है, हक्का की फरज व जकर को बनियत सालेहा छूना सवाब है। ये किताब है आसान शरिया, ये देखिए अहमद राजा बरेली का कहते हैं कि तंजुल ईमान में लिखता है वही सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं। ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए मरने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। सामान और सुने, मैं इनकी साथियों को जुड़वाता हूँ, आप सुनते कहा देखिए। इससे क्या कहते हैं कि मगर निहार निहार बुरी सूरत में ना बैठे, जैसे बार बार से बख्तर है। हरगिज हरगिज बहादुर दानिश मैना बाजार मसूरी गनीमत वगैरह कुतुब वगैरह कुश्तियाँ देखने के नरम लकड़ी टिकट चुकाए झुक जाती है। सही हदीस से साबित है कि लड़कियों को सूर्य यूसुफ शरीफ का तर्जमा न पढ़ाया जाए, कि इसमें मगर जीना का जनान का जकर का फरमाया है। फिर बच्चों को खुराफा शायराना में डालना का पता हो सकता है। बताइए अहमद रजा बरेलवी क्या कहते हैं, औरतों को कुरान शरीफ पढ़ने से मना फरमा रहा है। अब कुरान शरीफ पढ़ने से कौन मना फरमाएगा? शामिल किताब में लिखा हुआ है क्योंकि बहुत से जगह अल्लाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद होते हैं। माजल्ला सुम्मा माजल्ला ये इनकी किताब है। किताब का नाम है तफसीर नईमी। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपनी किताब में लिखता है उनके नजदीक बहुत से जगह अल्लाह मुराद होते हैं, अल्लाह से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। ये क्या कहते हैं खुला कुफ्र है सामीन। जो क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहे वो खुला कुफ्र है। और सुनिए देखिए सुनिए आलम राजा साहब, देखिए मैं आपकी गुस्ताखियां बता रहा हूँ। आप निजी ईमान को बता करके साबित नहीं कर सके। ये आज की किताब है तफसीर नईमी। इसमें लिखा हुआ है कि हमारा और तमाम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अगर अल्लाह ताला को अपने पर महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न फरमाना होता तो इस कायनात को न पैदा फरमाता। लेकिन बरेली राजा खानियों का अकीदा है कि अगर शैतान न होता तो दुनिया में दीन तो कुछ भी न होता। अस्तगफिरुल्लाह माजल्ला। ये किताब है तफसीर नईमी। इसके आगे क्या लिखता है कि न बादशाह की जरूरत होती, न पुलिस और कचहरी की जरूरत होती, इसी तरह पैगम्बरों की नवलियों की और पीरों की जरूरत होती। सूरजक और आजाद के फरिश्ते बेकार रहते हैं। इसके आगे इसने हट कर दिया, इसने हट कर दिया कि खुदा की सिबता गफारी सत्तारी कहारी जब्बारी वगैरह का जोर ना होता। सामान देखें हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अगर आप सल्लम ना होते तो दुनिया एक कायनात ना होती। लेकिन बरेली रजाकानियों का अकीदा है कि अगर क्या कहते हैं शैतान ना होता तो क्या कहते कुछ भी ना होता। ये खुला कुकर है, खुली गुस्ताखी। और उससे बढ़कर आगे इसमें क्या लिखा है कि अगर शैतान ना होता तो अल्लाह ताला की जो है लिप्तों का जोर ना होता, न क्या कहते कि आपकी सफारी जाहिर होती, न कहारी जाहिर होती, न जब्दारी जाहिर होती। बरेलियों को अपनी किताबों में गुस्ताखियाँ नजर नहीं आती है, मगर जो हमारे अकादिर ने क्या कहते हैं कि इस्लामी इबारतें लिखी हैं उसमें क्या कहते हैं कि इनको कीड़े नजर आते हैं। और देखिए एक और क्या कहते हैं कि ये किताब है औराक-ए-गम सैयद मोहम्मद अहमद कादरी, इनका मौलवी है बरेलियों का। इसमें लिखता है कि हदीस में है
कि 4000 कीड़े आपके जश्न मुबारक में पैदा हुए। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा है और आजा मुबारक को खाते थे। माजल्ला माजल्ला कि एक नबी अंबिया का जमा है, एक नबी के बारे में इनका अकीदा है कि आपके जिस्म में 4000 कीड़े पड़ गए थे और उसको क्या कहते हैं कि वो कीड़े आपके जिस्म को खाते थे। बताएं ये पूरी किताब में लिखा हुआ है। किताब का नाम है औरात दम और किताब का मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद अहमद काजी। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है हदीस में है और आप सल्लम ने फरमाया कि मैं जो बात मैं बोलूँ मतलब और कोई ऐसी बात मेरी तरफ इज्जत करे अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और ये क्या हदीस की तरफ मंसूब करके कह रहा है, हदीस में भी 4000 कीड़े आज जश्न मुबारक में पैदा हुए और वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म को खाते थे। ये बरेलियों का अकीदा है। ये अपनी गुस्ताखियां अपने गंध छुपाने के लिए उलमा देवबंद की इबारतों को क्या कहते हैं उनको गुस्ताखाना जो इस्लामी इबारत है, ये क्या कहते हैं ईमानी इबारत है।